वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन. दिस इज़ द सिक्स पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल. सो विद दिस वीडियो आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपरटेंशन एंड द आसन्स फॉर क्योरिंग हाइपरटेंशन. बिफोर कमेंसिंग द डिस्कशन ऑन दीज आसन्स, लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज हाइपरटेंशन. ओके, व्हेन अ पर्सन टेक्स टेंशन मोर देन हिज लिमिट, सो दैट कंडीशन लीड्स टू द हाइपरटेंशन. यानी जब कोई पर्सन एक लिमिट से ज़्यादा टेंशन को ले लेता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन. उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है बॉडी में वो एनहेंस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब ये कैसे होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, उसका मेन वर्क हमारा क्या होता है, टू प्योरीफाई द ब्लड. अब ये जो ब्लड है प्योरीफाइड, ये कैसे जाता है हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स में, विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज. अब क्वेश्चन अराइजेस हियर, वेयर द ब्लड प्योरीफाइड, इट प्योरीफाइड इन लंग्स. वेन्स के थ्रू ये प्योरीफाइड लंग्स आता है हमारे हार्ट में, और हार्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज प्रोवाइड कर देता है प्योरीफाइड ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आर बॉडी. अब कैसे होता है, फंक्शन कैसे करता है ये, व्हेन आर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जब श्रिंक होता है ना. अब आप देखिए, व्हेन अब बलून, आप बलून को प्रेस करेंगे तो बलून की जो अंदर एयर होती है वो कहाँ, आगे को बाहर निकल जाती है. सिमिलरली जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है, तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो आर्टरीज की हेल्प से फुल बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई हो जाता है. अब क्वेश्चन ये उठता है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी, 120/80 mmHg. अब 120, ये दो नंबर हमने बताया, 120 और 80. अब ये जो 120 होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को. अभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, दैट वी आर रिक्वायर्ड टू नो. तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, ये किस प्रेशर से हमारा हार्ट हमारे बाकी के बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आर्टरी, यानी आर्टरीज में ब्लड कितने प्रेशर से धक्का मार रहा है हार्ट, दैट इज़ नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और ये रेंज कितनी होनी चाहिए, 120. ओके, अब चलते हैं दूसरा नंबर 80 क्या रिप्रेजेंट करता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये सेकेंड नंबर होता है. अब ये क्या होता है, जब दो बार हमारा हार्ट बीट करता है, उन दोनों हार्ट बीट करने के बीच में जो ब्लड का प्रेशर रहता है, दैट इज नोन एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. एंड आई टोल्ड यू इन द लाइव सेशन ऑल्सो दैट दिस इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ mmHg, फुल फॉर्म इज मिलीमीटर ऑफ मरकरी. इधर हेयर यू कैन सी आई हैव गिवन द नॉर्मल रेंज ऑल्सो, एंड बिलो दैट एक रेंज दी गई है 140/90, इज इट विजिबल एट द सेंटर. तो ये 140 और 90 क्या होता है, जब हमारा ये जो ब्लड का रेंज है, 120 बीपी का जो रेंज है 120/80, ये जब 140/90 तक पहुंच जाता है तो कंडीशन हमारी कौन सी आ जाती है, हाइपर टेंशन की. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द आसन्स टू क्योर हाइपर टेंशन. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट ताड़ासन. ताड़ आई टोल्ड यू, ताड़ मीन्स ट्री. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्री की, वही प्रोसीजर रहेगा मेरा समझाने का जैसे कि मैं आपको बताती चली आई हूँ विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. आई एम नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट. हेयर फर्स्टली वी हैव टू स्टैंड ऑन आर फीट, वी हैव टू स्ट्रेच आर हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे. दो तरीके होते हैं, या तो हम फिंगर्स पे फिंगर डाल के स्ट्रेच करें, या फिर हम ज्वाइंट को पाम्स को ज्वाइन कर लें. ओके, अब स्लोली स्लोली वी हैव टू स्ट्रेच आर बॉडी एंड वी हैव टू पुट ऑल द वेट ऑफ आर बॉडी ऑन आर टोस, यानी हमें अपनी हील्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए उठा लेना है, और हमारा बॉडी वेट किस पे होगा, टोस पे होगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, स्लोली स्लोली हम मूव करेंगे एंड आर हैड, वी हैव टू मूव, वी हैव टू लुक एट टॉप टूवर्ड्स आर हैंड्स.
दिस इज़ द पोज ऑफ, दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ ताड़ासन। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। देखिए मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पे प्रेशर पड़ेगा वहीं वहीं के लिए बेनिफिशियल है ये। यू कैन सी हमारा सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बेनिफिशियल है वो क्या है, पहली चीज़ तो फिज़िकल और मेंटल, ये हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप देखिए टमी पे ज़्यादा इसका प्रेशर है, स्ट्रेस पड़ रहा है पूरी बॉडी पे, ओबेसिटी को कंट्रोल करेगा, ये हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करेगा, कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करेगा। मेन चीज़ है पूरा आप पूरा जो प्रेशर पड़ रहा है वो हमारी फुल बॉडी पे पड़ रहा है, दैट्स वाई इट हेल्प अस टू गेन अ गुड बॉडी पॉस्चर। ओके अपार्ट फ्रॉम दिस आई टोल्ड यू अबाउट सियाटिका, वन प्रॉब्लम इज देयर सियाटिका जो हमारे लेग से यानी हिप से होते हुए स्टार्ट होती है, तो उस चीज़ को भी ये हेल्पफुल है उसको सॉल्व करने में। अलॉन्ग विद दैट पूरी बॉडी में ये स्ट्रेच प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन टू एनहांस देयर हाइट। ओके अब हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस की। वेरी इजी, आप देखिए किसी को अगर एंकल में कोई इंजरी है, आपने देखा टमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, तो कोई एब्डोमिनल इंजरी वगैरह, कोई एब्डोमिनल आपका कोई ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, कुछ भी ऐसा हो, हर्निया की प्रॉब्लम हो, ब्लड सर्कुलेशन जिसका नॉर्मल ना हो, तो उन सब के लिए क्या है, दे शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। वन मोर वी विल डिस्कस इन दिस, दैट इज सेकेंड वन इज वज्रासन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। देन पवन मुक्तासन, दिस वन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन डायबिटीज। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चक्र आसन। देयर टू आसन आर लेफ्ट विच आई फॉर विच आई विल प्रिपेयर सेकेंड वीडियो पार्ट बी ऑफ सिक्स्थ पार्ट। टिल देन कीप स्टडिंग।